हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर लगातार भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारक हिमाचल में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनावी रैली को सोलन शहर के ऐतिहासिक थोडो मैदान में संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें 17 विधानसभा के 17 भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश के कई बड़े नेता भी इस रैली में आने वाले हैं। इस रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मंगलवार को सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि पीएम मोदी की चुनावी रैली हिमाचल प्रदेश के सोलन में दूसरी रहने वाली है। इससे पहले वे मंडी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आगे कहा कि इस रैली में 17 विधानसभा क्षेत्रों से 1,00,000 कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व स्तर के नेता बन चुके हैं और ऐसे में उनको सुनने के लिए हिमाचल पूरी तरह से तैयार है। सोलन के लिए सौभाग्य की बात है, 5 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं, उनका चुनावी दृष्टि से प्रवास सोलन में मिला है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में उनकी रैली होने जा रही है, जिसको सोलन का कार्यकर्ता सफल बनाने के लिए दिन रात एक करके उसकी योजना में लगा है। 19 हमारी कार्य समितियाँ बनी हैं, हर अलग अलग विभाग उस काम में जुटा है। ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, क्योंकि 1,00,000 प्लस लोग सोलन के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में जमा होने वाले हैं। शिमला पार्लियामेंट क्षेत्र से सारे लोग, हमारे 17 के 17 कैंडिडेट्स भी उसमें रहेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो कि इस पार्लियामेंट से माननीय सांसद भी हैं, आदरणीय सुरेश कश्यप जी भी इस रैली में रहने वाले हैं। यानी कि सोलन तैयार है आदरणीय मोदी जी की रैली के माध्यम से उन्हें सुनने के लिए।